मोदी सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों का पिछले 8 महीनों से विरोध कर रहे किसान आज लखीमपुर खीरी नरसंहार में जान गंवाने वाले 4 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद किसान दिवस का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में राकेश टिकैत भी शामिल हुए और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी। उन्होंने तिकुनिया गाँव में किसानों को अंतिम अरदास सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि भारतीय किसान यूनियन, जिसकी रहनुमाई राकेश टिकैत करते हैं, उनको इस सभा में प्रियंका गांधी का आना अच्छा नहीं लगा। शायद इसीलिए भारतीय किसान यूनियन के एक प्रवक्ता ने किसानों के कार्यक्रम में राजनेताओं के आने पर आपत्ति भी उठाई। याद रहे कि ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने आनन फानन में पीड़ित किसान परिवारों के साथ सरकार का समझौता कराकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। ये तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जब इस मुद्दे को पूरे देश का मुद्दा बना दिया तो राकेश टिकैत को यू टर्न लेना पड़ा और बोलना पड़ा कि सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। राकेश टिकैत का इतिहास हमेशा से कांग्रेस विरोधी रहा है। वैसे भी राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बीच दर्जनों बार ये बात कह चुके हैं कि उनका विरोध मोदी और योगी से है, भाजपा से नहीं। बहरहाल आज एक बार फिर लखीमपुर खीरी जाकर प्रियंका गांधी ने किसानों को अंतिम अरदास प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि सुबह जब प्रियंका गांधी काबिले के साथ लखीमपुर के लिए निकली तो प्रशासन ने उन्हें जाने दिया, मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों को इटौंजा टोल प्लाजा पर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से कांग्रेसियों की काफ़ी नोकझोंक हुई। बाद में कुछ और गाड़ियों को प्रियंका गांधी के साथ जाने की अनुमति दी गई। प्रियंका गांधी ने अरदास सभा में गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने मत्था टेका और शहीद किसानों नक्षत्र सिंह, लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह और पत्रकार रमन कश्यप की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। किसानों ने प्रियंका गांधी को इस संघर्ष में अपने साथ खड़ा होने के लिए धन्यवाद कहा। इस मौके पर पत्रकारों ने कांग्रेस महासचिव से बहुत से सवाल किए, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आज मैं अंतिम अरदास सभा में आई हूं, इसलिए इस मौके पर बयानबाजी ठीक नहीं। हां, इतना ज़रूर कहूंगी कि अंतिम सांस तक किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रहूंगी। लखीमपुर कांड के बाद प्रियंका गांधी ने जो तेवर अपनाए हैं उससे ये साफ लगता है कि वो इस मुद्दे को अपने हाथों से फिसलने नहीं देंगी और यूपी चुनाव में आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को और ज़्यादा परेशान करने वाली है। इसी के साथ अब ये बात भी साफ नज़र आ रही है कि इस मुद्दे को भुनाने में पिछड़ चुकी प्रदेश की अन्य विपक्षी पार्टियों ने ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।